राशन को लेकर बिग बॉस जो गेम खेलना चाह रहे थे उस गेम में लगता है कि वो कामयाब हो ही गए। आपस में घर वालों को भिड़ाना चाहते थे, इनके आपस में झगड़े कराना चाहते थे और अब उन्हीं झगड़ों में ये कामयाब हो ही चुके हैं। और क्या और कैसे हो रहा है झगड़ा, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। तो एक बात तय है कि घर के अंदर सबसे ज्यादा मुद्दे जो हैं खाने को लेकर, राशन को लेकर बनते हैं और कुछ ऐसे ही शुरुआत अब बिग बॉस ने कर दी है और इन सभी के बीच में राशन डिवाइड कर दिया है। राशन डिवाइड करने का मतलब है कि सभी को रूम में एक लिमिटेड राशन मिलेगा और इस लिमिटेड राशन में इन्हें सर्वाइव करना होगा 10 दिन का राशन, और अपने अपने राशन की जो है रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये घर वालों की जिम्मेदारी है। यानी राशन चोरी होने का खतरा लगातार बरकरार है। यहां पर अब ये लोग सब बोलते हुए नजर आए कि भाई अंडे भी इक्वली डिवाइड होंगे, लेकिन यहां अभिषेक का कहना है कि अंडे इक्वली डिवाइड क्यों होंगे? अगर किसी रूम में वेजिटेरियन लोग ज्यादा हैं जो अंडा नहीं खाते, उनके रूम में क्यों डिवाइड होंगे? अंडे या नॉन वेज उस हिसाब से डिवाइड होगा कि कितना लोग खाते हैं, कितने नहीं, रूम के हिसाब से नहीं होंगे। और इसी बात को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है और लगातार ये लोग आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे ये टास्क बिग बॉस ने अनाउंस किया तभी ये लोग आपस में बोलने लग गए थे कि बिग बॉस आपने जो है वो बॉम्ब फोड़ दिया है, क्योंकि अब तो हमारे झगड़े होंगे, खाने पीने को लेकर कोई भी भूखा रहने को तैयार तो होगा नहीं ना। तो अब ये बात तो वो समझ गए थे कि अब झगड़ों की शुरुआत हो जाएगी, और कुछ ऐसा ही हुआ है, इनकी आपस में झगड़ों की शुरुआत जो है वो हो चुकी है।